मुनीष पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीष, दो मामले मनीष सिसोदिया पर, एक की जांच कर रही है सीबीआई, एक की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसकी जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय, 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस समय दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई हैं वो पूरी हो चुकी है, हमें विस्तार से बताइए अब प्रक्रिया आगे क्या। जी बिल्कुल गौरव, देखिए दोनों तरफ से दलील दी गई और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहां पर एक तो इतनी लंबी रिमांड कॉपी यानी कि 57 पेज की रिमांड कॉपी कोर्ट के सामने ईडी की तरफ से पेश की गई, जिसमें कि कई सारी चीज़ें थी, चाहे वो मनीष सिसोदिया के ऊपर सबूतों को नष्ट करने के आरोप हों, चाहे उनके खिलाफ दिए गए बयानों की लिस्ट हो, ये सब कुछ ईडी ने अपने रिमांड कॉपी में मेंशन किया, जिसकी तर्ज पर वो मनीष सिसोदिया की रिमांड 10 दिनों के लिए मांग रहे हैं। उसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो मनीष सिसोदिया के जो वकील थे उन्होंने बार बार यही कहा कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये दिखाता हो कि मनीष सिसोदिया के पास सीधे तौर पे पैसा आया हो या मनीष सिसोदिया किसी भी तरीके से इस पूरे घोटाले में लिप्त थे। लेकिन उसके पहले गौरव, एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। देखिए, आज मामला भले से कोर्ट में था लेकिन तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर बदल रही है, क्योंकि ईडी को ये लगता है कि आज किसी भी हालत में मनीष सिसोदिया उनकी हिरासत में आएंगे और अगले कुछ दिनों तक ईडी का नई दिल्ली में स्थित ये जो मुख्यालय है वो मनीष सिसोदिया का नया घर होने वाला है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। वो लोग जो कि ईडी के दफ्तर में काम करते हैं उनके अलावा किसी को भी आने जाने की कोई परमिशन नहीं है। और आपको बता दूं, मैं इसी मुख्यालय में शराब नीति मामले की जांच भी चल रही है, कल के कविता को भी ईडी के इसी मुख्यालय में आना है। तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक तरफ ईडी को लग रहा है कि उनको कस्टडी मिलेगी तो वहीं पर जहां दूसरी तरफ एक राहत की खबर थी। और आपको याद होगा गौरव, कल अरविंद केजरीवाल से लेकर तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि कल मनीष सिसोदिया को बेल मिलनी है, इसी वजह से ईडी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन उसी बेल के मामले की सुनवाई अब 21 मार्च होगी, यानी कि सीबीआई के मामले में जहां एक तरफ बेल के लिए इंतजार करेंगे मनीष सिसोदिया, तो वहीं ईडी के मामले में हो सकता है उनको कस्टडी मिल जाए, और अगर कस्टडी मिलती है तो उनको दोबारा तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। और गौरव, आपको भी पता है ईडी के किसी मामले में किसी को बेल मिलना, जमानत मिलना किसका कितना मुश्किल होता है, बड़े बड़े लोग महीनों तक जेल के अंदर ही रह जाते हैं। गौरव, अच्छा ये बताइए कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांग की है, 10 दिन वो पूछताछ करना चाहते हैं, इन 10 दिनों में ईडी का क्या, कि उनकी रणनीति क्या है, क्या क्या तथ्य उनको अभी तक नहीं मिल पाए हैं? जी देखिए गौरव, अगले 10 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ईडी के लिए और जहां तक इस मामले की जांच है उसके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ईडी के जो सबसे बड़े आरोप है इसमें वो एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्ट कॉपी को लेकर है। ईडी ने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि मनीष सिसोदिया वो शख्स थे जो कि अरविंद केजरीवाल के घर पर सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में सी अरविंद, जो कि उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके हाथों में उन्होंने ड्राफ्ट कॉपी दी। और वहीं पर सबसे पहली बार एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सी अरविंद को पता चला कि जो मुनाफा होता है व्यापारियों का उसे बढ़ाकर 5% से 12% कर दिया गया। तो ईडी यहां पर यह जानना चाहती है कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत थी मनीष सिसोदिया को कि उन्होंने मुनाफा बढ़ा दिया। मुनाफा बढ़ाने के पीछे जो दूसरी बड़ी वजह बताई गई कि जो ईडी दावा कर रही है कि जो एक एक्सपर्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें कि देश के माने जाने वकील और जजों ने अपनी राय दी थी, उस फाइल को डिलीट कर दिया गया क्योंकि उस रिकमेंडेशन को सिरे से खारिज कर दिया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से। तीसरी जो बड़ी बातों को लेकर वो पूछताछ करने वाले हैं मनीष सिसोदिया को कि जो साउथ ग्रुप, जिसमें कि के कविता का नाम शामिल हुआ है, उस साउथ ग्रुप के जितने भी लाइसेंसेस देने थे मनीष सिसोदिया ने जेट स्पीड, ये शब्द का इस्तेमाल किया है ईडी ने कोर्ट में, जेट स्पीड में उनको ना सिर्फ अप्रूवल मिले बल्कि उसके लाइसेंसेस भी मिल गए। उसके अलावा चौथी जो बड़ी बात होने वाली है जिसको लेकर पूछताछ करेंगे वो है विजय नायर। देखिए, विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, विजय नायर ने के कविता से लेकर तो समीर महेंद्रू, बाकी के जो बड़े आरोपी हैं उन सबसे बातचीत की थी, सबसे मुलाकात की थी, मीटिंग की थी, जिसके बाद में उनको लाइसेंसेज मिले। लेकिन ईडी ने यहां पर आरोप लगाया कि विजय नायर के तार सीधे मनीष सिसोदिया
सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हैं। और गौरव आपको याद होगा पिछली चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे आरोपी समीर महेंद्र को फोन पर बोला कि विजय नायर इज माई बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, विजय नायर मेरा शख्स है, तुम उस पर भरोसा करो, ये समीर महेंद्र को बोला, जिसे ईडी ने बाद में गिरफ्तार किया। तो इन सभी चीजों को लेकर पूछताछ होगी, 100 करोड़ को लेकर पूछताछ होगी, 100 करोड़ किसकी जेब में गए, गोवा इलेक्शन में कैसे खर्च हुए, इन सब चीजों को लेकर अगले 10 दिनों में न सिर्फ पूछताछ होगी बल्कि बाकी के आरोपियों के साथ भी मनीष सिसोदिया को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की जाएगी। गौरव जी,